नमस्कार मित्रों, विरुद्ध आहार पार्ट 1, 2, 3, 4 और ये 5 पार्ट हैं। तो ये जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें हम बचे हुए विरुद्ध आहार को आपको बताएंगे। हमने पार्ट 1 से लेकर के 4 तक बताया कि विरुद्ध आहार क्या होता है, विरुद्ध आहार क्यों हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है और कौन से विरुद्ध आहार होते हैं। अब हम विरुद्ध आहार की श्रेणी में आगे बढ़ें, इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। ऑथेंटिक जानकारियां होंगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए या फिर आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को लिख करके पूछ सकते हैं, आपकी शंका का समाधान भी किया जाएगा। अब हम क्रम विरुद्ध हमने पढ़ लिया, हमने सारी चीजें देख ली। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं विरुद्ध आहार में, कि आगे विरुद्ध आहार जो है वो 16वें नंबर का विरुद्ध क्या है, हृदय विरुद्ध। हृदय विरुद्ध का मतलब होता है सीधे सीधे कि जो हमारे हृदय को नहीं भाए और हमको वो खाना पड़े। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे लोग मुझे ही बोलते हैं कि जो आप खाना देते हो वो पूरे तरीके से सही नहीं है। सही का मतलब अच्छा नहीं लगता हमको, उबला हुआ खाना है, उसमें नमक कम होता है, उसमें मसाले कम होते हैं। तो निश्चित ही मैं खुद ही इस चीज को मानता हूं कि भोजन रुचिकर तो नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य वर्धक है इसलिए आपको वो भोजन ले लेना चाहिए। लेकिन हृदय विरुद्ध का मतलब अब यहां बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि भाई आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, अनप्लीजेंट लग रहा है, बेमन से आप अगर खा रहे हो तो वो हृदय विरुद्ध के अंतर्गत जाएगा। तो कोशिश करिए आप अपने मन को मनाइए, लेकिन किस खाने के लिए, जिसके लिए आप ये समझ पाए कि हाँ ये अच्छा है आपके शरीर के लिए, उसमें कहीं कोई बदबू नहीं आ रही है, वो सड़ा गला नहीं है। हालांकि ये वाला जो आहार है ये अलग है, इसको बोलते हैं संपद विरुद्ध। संपद विरुद्ध अभी हम देखेंगे 17वें नंबर पर, संपद विरुद्ध आ रहा है कि खराब है, गला हुआ है, सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, जिसमें से उस आहार को खा लेना, कभी कभी अनविज्ञता के चक्कर में कोई खा जाता है तो वो संपद विरुद्ध में आएगा। हृदय विरुद्ध का मतलब कि वो आहार जो आपको अच्छा लग नहीं रहा, अनप्लीजेंट है आपके लिए, आपको रुचिकर नहीं लग रहा, आपका मन नहीं कर रहा जिसको खाने का, तो आप अपने मन को अगर मान लो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप पहले पहले उसको मत खाओ, क्योंकि आप बेमन से कोई चीज खाओगे तो वो आपके लिए हितकर नहीं है, वो विरुद्ध आहार में जा रही है, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन अगर आपके लिए जैसे मान लो कुटकी चिरायता का काढ़ा या मलेरिया में जो लहरिया को गोली खाते हैं वो, अब वो तो कड़वी लगती है, वो किसको रुचिकर लगेगी, वो किसको हितकर लगेगी, किसको प्लीजेंट लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। लेकिन दवाइयां तो कड़वी ही होती है, कहा भी जाता है कि मजबूरी में तो कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है। तो आप अपने मन को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जरूरी है और आपके मन को वो अच्छा नहीं लग रहा, आपके हृदय को वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप थोड़ा मन को मना करके खाइए तो डेफिनेटली आपको उसका आराम जरूर होगा। जैसे बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, उनको लौकी की उबली हुई सब्जी दी जाए और वो नाक मुंह सिकोड़ करके अगर खाएंगे तो एसिडिटी में आराम नहीं करेगी। लेकिन अगर एसिडिटी के केस में कम मिर्च मसाले वाली, कम नमक वाली, कम तेल चिकनाई वाली लौकी की सब्जी लगातार खाई जाए, अच्छे तरीके से उसमें सौंफ, जीरा, थोड़ा सा धनिया डाल लिया जाए, अच्छी मात्रा में हल्दी डाल दी जाए, तो निश्चित ही ये आपके लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है, तो ये फायदेमंद हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हृदय विरुद्ध, कि अनप्लीजेंट चीजों को आप अगर खा रहे हैं तो हृदय विरुद्ध हो जाता है। अब आता है संपद विरुद्ध, जो लगभग लगभग मैं बता ही चुका कि संपद विरुद्ध में क्या आएगा कि जो खराब हो गया है खाना, वो खाना अगर हमने खा लिया तो वो संपद विरुद्ध के अंतर्गत जाता है। अब आता है अंतिम विरुद्ध जो आहार है, जो 18वें नंबर का विरुद्ध आहार, वो है विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध आहार जो होता है वो भोजन करने की विधि कैसी है उसके विरुद्ध अगर आप करें। जैसे भोजन करने की विधि, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन को हाउ टू ईट, खाना कैसे खाया जाना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को देखने की आवश्यकता होती है। अब ये हालांकि थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि ये हर चीज में लगेगा, आप कुछ भी खा रहे हो
विधि विरुद्ध अगर हो जाएगा तो वो सब बर्बाद हो गया। अब कैसे, आपने जैसे बहुत अच्छा भोजन, भोजन की थाली, इसमें आपने बढ़िया कटोरी में आपने लौकी की सब्जी ली हुई है, एक कटोरी में आपने बढ़िया ताजा बना हुआ गाय के दूध का, देसी गाय है, बढ़िया ताजा दूध था, उसका दही बनाया हुआ है जो खट्टा भी नहीं है बिल्कुल, और आपने बहुत मोटे आटे की चोकर की दो रोटी डाल रखी है इसमें, और इसमें आपने अगर चाहे तो क्या सब्जी हो गई, दही हो गया, रोटी हो गई, अगर दोपहर का समय है तो आपने एक कटोरी इसमें बढ़िया मूंग की दाल भी बना रखी है और ये आप भोजन लेने वाले हैं। लेकिन आप इसको किसी गंदी जगह पर बैठ करके ले लें जहां बदबू आ रही है, जहां एरेशन नहीं है, जहां कई समय से धूप नहीं आई बिल्कुल, ऐसे समय पर बैठ के खा लेंगे तो यह विधि विरुद्ध हो जाएगा। आप खुले में पेड़ के नीचे बैठ करके खा रहे हैं, हालांकि पेड़ के नीचे बैठ करके खाया गया खाना बहुत पुराने समय में जब लोग खलिहानों में काम करते थे तो पेड़ के नीचे बैठ करके खाते ही थे, लेकिन सामान्य तौर पर यह लिखा गया है शास्त्रों में कि खुले में बैठ करके भोजन ना तो पकाया जाना चाहिए और ना ही खाया जाना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान में हमें रखना चाहिए इसको। तो अगर हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ये विरुद्ध आहार जो पूरे हैं इनको अगर हमने अच्छे तरीके से समझ लिया तो निश्चित ही धीरे 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 करके हम अपने पूरे शरीर को कंप्लीटली हेल्दी स्टेज में मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड, विरुद्ध आहार से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आपके उस प्रश्न का जवाब आपको जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।